RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are two human rights, United Nations human rights reports on this. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets. And what will these soldiers do? They will shoot them. They've already used pellet guns, blinded young boys. In the last 6 years, the 5 years, the oppression that has gone on in Kashmir. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat, I'm here. शफीक खान सफिंग हमारे के नेटवर्क की तरफ से आज यूनाइटेड नेशन का जो इजलास यहाँ चल रहा है अपना, और यहाँ पर आज अलहमदिल्ला हजारों लोग यहाँ पे आए हुए और जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे कश्मीर के सिलसिले में, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ जो अपना उनके साथ हमने जीने मरने का जो है वादा किया, इंशाल्लाह हम उस पर कायम हैं। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, हम सब का है। इस हवाले से यहाँ पे हजारों लोग आए हुए, इंशाल्लाह यहाँ पे हम आज उन तमाम जुल्म ज़ाती के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है हम उसका साथ दे रहे हैं। सर्विंग ह्यूमैनिटी नेटवर्क जो है उसका पूरा पूरा साथ देगी इसका, और आप देख सकते हैं कि आज हमारे मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानी भाइयों का जज्बा देख सकते हैं आप। देख के रहेंगे, देख के रहेंगे, आजादी हमारा, आजादी से बोलो, आजादी से बोलो, आजादी से बोलो, आजादी देख के रहेंगे, आजादी से बोलो, आजादी खुदी कुत्ता, 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 मुंह से जुदा, खुदी कुत्ता, मुंह से जुदा, मोदी खिले, हाय हाय, मोदी बंदे, हाय हाय, इमाम भी देगी आजादी, इमाम भी देगा आजादी, कश्मीर बनेगा आजादी, मैं सिर्फ अपना कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती शो करने के लिए आया हूँ, और अपने यानी कि लीडर इमरान खान, वी प्राउड ऑफ हिम कि ही जस्ट टोल्ड द वर्ल्ड अबाउट दैट मोदी टेररिज्म, हु आर द रियल टेररिस्ट, सो दे आर प्रॉपरली नाउ वर्ल्ड कैन सी एंड दे शुड मेक द राइट डिसीजन अगेंस्ट मोदी। You gotta stop these killings now, because no one notices. They think Holocaust and all these other killings are a big thing, but we gotta spread the word and let everyone know that Kashmir is a big deal out here. हम ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है आजाद हो, खुद मुख्तार हो या पाकिस्तान के साथ हो, इंडिया वहाँ से अपनी फौजें निकाले और कर्फ्यू उठाए। दो हफ्ते हो गए, मेरा जो बहनोई था वो डायबिटीज पेशेंट है, उसको इंसुलिन न मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो मुझे कोई उसका पता ही नहीं था। मैंने दो हफ्ते के बाद सुना उसका डेथ हो गई, क्योंकि कोई कश्मीरी डाक वैकेशन के लिए गया था, वो सटक गया था उधर से, तो उसने मुझे खबर बोली कि आपका बहन हुई डेथ हो गया इंसुलिन की वजह से अस्पताल में कोई। तो जो मोदी है वो तमाम कश्मीरी को किल करना चाहता है, और हमें कहता है कि आप हिंदू बनो
तो इस मुल्क में रहो, हिंदू नहीं बनोगे तो फिर दूसरी जगह। वी आर हेयर फॉर द सॉलिडेरिटी ऑफ द कश्मीरी पीपल, सो वी आर हेयर टू टेल देम दे आर नॉट अलोन, दे आर विद अस, दे आर इन आवर हार्ट। ओके, सो वी वांट दिस, यू नो, लाइक अ गवर्नमेंट हैज टू गेट आउट ऑफ द कंट्री एज सून एज पॉसिबल, गिव देम द फ्रीडम एंड गिव देम द चांस टू लिव, सो दे कैन हैव द लिव लाइफ विद देयर ओन डिजायर एंड विशेस। Okay, so that's how we would like to show the world. Okay, so we are united with them. Okay, so they are our brothers and sisters. We want freedom for Kashmir. Inshallah. Inshallah. We filed a memorandum to the United Nations Assistant Secretary General stating that the Indian held Punjab and Kashmir. We do not want war, but we want a referendum backed by the United Nations. Unfortunately, the Western world in general and United Nations in particular is not paying attention to the India's behavior towards its minorities. There is going to be a lot of bloodshed. 5 August, जब हिंदुस्तान काबिज हुआ दस्तूरी गुंडागर्दी के बाद, उस दिन से पाकिस्तानी अमेरिकन कश्मीरी और हमारी सिख कम्युनिटी वो रुकी नहीं। और आज ये जो नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान आज आप देख लें, सुबह 6 बजे से लोग आना शुरू हुए थे और इस वक्त तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो चुके हैं और टाइम 9 बज रहे हैं, 9:30। तो ये वो पैगाम है इकवाम आलम को, इकवाम मुतहदा को, कि आज आप वक्त की आवाज़ को नहीं रोक सकते। जब तक आप वक्त की आवाज़ को रोकेंगे तो वक्त आपके साथ नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर के वो लोग जो जुल्म व सितम 72 साल से इंडियन गवर्नमेंट का बर्दाश्त कर रहे हैं, आज दिस इज सो ब्रूटल, दिस इज सो अनजस्ट, एंड वी आर रेजिंग द वॉइस इंशाल्लाह, नो मैटर व्हाट, व्हाटएवर द अदर कंट्रीज आर विद आवर एनिमीज लाइक इंडिया, बट नो मैटर व्हाट हैपन, वी हैव अल्लाह विद अस, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह we will prevail, inshallah we will prevail, inshallah. Azadi zor se mango, azadi zor se mango, azadi zor se mango, azadi stop the war, azadi ho jayega, jo bhi hoga dekh rahenge, azadi 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 azadi। We are here for our Kashmiri brothers. The human right violation and atrocities that's going on in Kashmir, we are here to work with, make sure that the voices are raised. We as a Queens team, Long Island team, in Queens alone we did over 10,000 flyers, over 400 posters, 10 banners. We worked diligently with our Queens team, and you are included in there. We did a day night work. Everybody, I think this time, came united, worked for the community, and the whole goal is to make sure the Kashmiri voices are heard, the Kashmiri voices are, make sure that the United Nations hear them, and there's some action after today. Inshallah, Kashmir will be independent soon. Today our blood will be not cheap in Kashmir and not will be Palestine, because all over we are a brother, united, one farm, one voice. There is one Allah, one God, one Allah's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is everything bring you. They give you Quran. If you follow the Quran, never waqtasumu bihablillahi jamia wa la tafarraqu. No one will be broken, and we will strength. This reason our last prophet say, waqtasumu bihablillahi jamia wa la tafarraqu. You hold the rope and together, and you will have nasr min Allah fata qareeb. My Muslim sister, in Islam, my brother, in young generation of education, we have to come to the table. Thank you.
खालिद हम मौत के आशिक खालिद हम संगबाज हम संगबाज हम संगबाज हम संगबाज हम संगबाज हम आवाज हम संगबाज हम संगबाज हम हम अपने चमन के रखवाले हम अपने चमन के रखवाले हम अपने चमन के रखवाले सरबाज कबन है हम आए कुर्बान इस पे ना